मोदी मोदी, अरे कोई मरा तो मोदी मोदी करोगे भाई। रेल मंत्री का इस्तीफा होगा, इन्हीं बेसरों की वजह से हमारा देश डूब रहा है। और आपको ऐसा दिशा व्यवहार होता तो आपकी आत्मा भी इसी तरह रोती जिस तरह उनकी आत्मा रो रही है। अरे रुक तो जाओ, प्रधानमंत्री बनाए हो क्या हमको? नरेंद्र मोदी है हम, नहीं नरेंद्र मोदी है हम। मोदी हमें ट्रेन हादसे में जो हुआ है उड़ीसा के अंदर, पूरी फेलियर गवर्नमेंट की है, बीजेपी गवर्नमेंट की। दो ट्रेन एक पटरी से उतरती, एक सिंगल वो नहीं मिला, एक उसके पीछे से आके मारती है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पार्लियामेंट बने, स्कूल नहीं बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी नहीं, वो ये यूनिवर्सिटी। उसके बाद ये हादसा, कहाँ गया वो कवच जिस देश के प्रधानमंत्री 15 लाख का सूट पहनते हो, वहाँ लाशों को ढकने के लिए कफन नहीं मिला, व्हाइट चादरें भी नहीं थी। कोरोना काल में 47 लाख लोगों के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, कोई कोरोना नाम की बीमारी नहीं थी। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है, ये बात अभी आप लोगों को समझनी चाहिए। तो शक्ति का अपमान हुआ, ये प्रलय है, और ये प्रलय का कारण नरेंद्र मोदी जी हैं। नमस्कार, मैं शिखा अभी जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आप सभी का जनित में स्वागत है। आप देख रहे हैं अभी जनित आवाज, आप देखेंगे अगर मेरे इधर साइड में तो ये जो है मैथिली समाज के लोग हैं जो मणिपुर से आए हैं, और मेरे सामने अगर देखेंगे तो कुछ लोग मुंबई से आए हुए हैं, कुछ लोग यूपी से हैं, तमाम जगह से लोग हैं। और इन लोगों की कुछ मांगे हैं, 11 मांगे हैं, जिसमें से एक प्रमुख मांग जिनकी लोग ज़्यादा जोर से मांग कर रहे हैं वो है कि गौ रक्षा। और उसके बाद वैक्सीन को लेकर चीज़ें बोली गई हैं, मतलब मिला जुला के जो भी नीतियाँ 12 साल में सरकार ने लोगों के लिए बनाई, जैसे कि लॉकडाउन, वैक्सीन, इन तमाम चीज़ों के ये विरोध में है। मेरे साथ है बाल योगी और ये इन दोनों के समर्थन में आए हुए, हम इनसे उन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, जैसे कि पहलवानों का मुद्दा हुआ, रेल एक्सीडेंट हुआ, लोग इतने मारे गए इस पे, और मणिपुर के मुद्दे पे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं इन सारे जो अभी जो चल रहा है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक एक जियो से आइए, आप महिला खिलाड़ियों से आइए, महिला खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। वो प्रधानमंत्री की परिवार की बेटियां थी, उन्होंने कहा वो मेरे परिवार की बेटियां हैं, किसी की परिवार की बेटियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि दिखा। उसी दिन संसद का उद्घाटन किया गया, यहाँ महिलाएं हमारी बहनों को अपमानित किया गया, देश की राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी से उनको, मतलब वो जो है जाकर वहाँ पे आपका समारोह में शामिल नहीं हो सकती, हवन नहीं कर सकती। दूसरा तीसरा शिव भाई, आप शक्ति का करेंगे, जहाँ तक आप देखिए दो अपमान हुए, ये जनता मणिपुर में 1 महीने से हिंसा हुई, कर्नाटक में अमित शाह धमकी देते हैं कांग्रेस आई तो दंगा होगा, मणिपुर उसी वक्त जल रहा था, ये चुप थे, चुनावी प्रचार में थे, मौज मस्ती कर रहे थे, हाय हल्लो हो रहा था मंचों पे, और कहीं ना कहीं उसके बाद ये हादसा, कहाँ गया वो कवच जिस देश के प्रधानमंत्री 15 लाख का सूट पहनते हो, वहाँ लाशों को ढकने के लिए कफन नहीं मिला, व्हाइट चादरें भी नहीं थी। सवाल तो यही पूछना चाहिए, किसी को मालूम था कि वहाँ पे हादसा, तो चादरों भी नहीं होती क्या, तो लाशें पड़ी रहती, चादरें डालते, क्या मजाक है आपका? ये अगर लॉजिक कौन सा, आपने कौन लॉजिक क्वेश्चन पूछा? मैंने क्या कहा सुना, मैंने कहा 15 लाख का सूट पहनने वाले लाशों पे चादरें तो हो जानी चाहिए ना, एक बेल मेंटेन रखनी चाहिए, इतनी जगह हमारे पास नहीं है, आप उसको फेंकोगे लाशों को? ये समस्याएं हैं इस देश की, और हम लड़ते रहेंगे, हम अपने जनमानस का साथ देंगे, हम अधर्मियों का साथ नहीं देंगे, हमें नरेंद्र मोदी का, तो वहाँ भी तो मोदी 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 हुआ नहीं हुआ है, आप बताइए कोई मरेगा तो आप मोदी मोदी करेंगे? त्रिपाठी इतने गर्मी में एंकरिंग कर रही थी, रिपोर्टिंग कर रही थी कि यहाँ बहुत गर्मी है, फिर भी वहाँ पे गई। अच्छा, जो मरे हैं वो उनको गर्मी लगती है, जो जनरल में सफर करते हैं, जो स्लीपर में सफर करते हैं उनको गर्मी लगती है, गर्मी तो उनको भी लगती है, उनका तो जिनका पास टिकट है उनको पैसे मिलेंगे, जिनके पास टिकट है उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे। कह रहे हैं इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, इस्तीफा क्यों? रेल मंत्री का 20 साल बाद इतना बड़ा हादसा इस यहाँ पे हुआ है, 3 ट्रेनें डिसबैलेंस हुई है, 2 ट्रेनें एक पटरी से उतरती, एक सिंगल वो नहीं मिला, एक उसके पीछे से आके मारती है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये आप कहिए तो स्कैम है, जो योजना में पैसा लगाते हैं सारे घोटाले हुए। आपको हिंदू राष्ट्र भी चाहिए, आपको राम राज भी चाहिए, आपको ट्रेन भी चाहिए, आपको सारी, अरे वाह, आपको हमने आपको फोन किया था हिंदू राष्ट्र बना के दे दो, फोन किया आपको हमने, क्यों बकवास करते हैं आप लोग? सेंगोल तो रखा गया, आप, तो सेंगोल मोदी जी ने रखा, हमने रखा क्या, हमें रखा है, तो आप तो खुश हो जाइए ब्राह्मण, खुश भाई ब्राह्मण क्या मतलब है, आप संविधान चलाइए देश को, ब्राह्मण पंडित से मत चलाइए, इस देश में संविधान कहता है कि देश की राष्ट्रपति प्रमुख है, सर्वोच्च नागरिक है, वो अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं दिया है, जब आप हम लक्ष्मीकांत
पढ़ेंगी तो पहला सेशन केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को दिया गया, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पर आपका प्रधानमंत्री, चौथे में मंत्रिपरिषद। थोड़ा पढ़ लिख लिया करिए, खाली माइक लेके चिल्लाना अच्छी बात नहीं। गोदी मीडिया का मतलब गोदी मीडिया आप कह रहे हैं, कौन है गोदी मीडिया? वो तो मोदी मोदी करती है, तो मोदी क्यों ना करे? आप जो आम आदमी वोट किसको देते हैं, राष्ट्रपति को कि प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को। तो हमारे लिए मेन बंदा कौन हुआ आप बताइए? देश के सर्वोच्च पद पे जो बैठा है, जनता का चुना हुआ, लेकिन राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक है, पहले ही नागरिक है। संसद में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, अगर आप संसद मिला के पढ़िए एम लक्ष्मीकांत, उसमें साफ लिखा है संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिला के संसद का मामला, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिला के। और इसीलिए उसको तीनों सेनाओं का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रधानमंत्री को नहीं बनाया गया। अगर प्रधानमंत्री जनता चुनते उनको बना दिया था। 80 से ज्यादा क्या कहते हैं कांग्रेस की यूनिवर्सिटी हैं, 40 से ज्यादा क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें हैं, अस्पताल हैं। जब उद्घाटन हुआ था तो उन्होंने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? वही तो ये बोल रहा हूं, बिहार लोकसभा को, ये लोकसभा को जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था तो राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया था? जवाब लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्टेट का हेड कौन होता है? चलो आपने कंट्री को बता दिया, ये अस्पताल मंदिर को संसद भवन बना रहे हैं, पूरे देश के प्रतिनिधित्व वहां चुन के जाते हैं, उनको ये मंदिर और मस्जिद बता रहे हैं, अस्पताल और दुकान बता रहे हैं और स्कूल बता रहे हैं। इस देश की सबसे बड़ी खामिया यही है, हमारे देश के युवाओं को इन मंचों से निकलने से पूछा जाइए ना कि भैया आपने मेरे लिए क्या किया। देश के युवा तो ये चाहते हैं कि हमारे देश में नए नए कानून बने, नई नई पार्लियामेंट बने। स्वतंत्र का मतलब क्या है? पार्लियामेंट बने, ये बताओ हमें पार्लियामेंट बने, स्कूल नहीं बनने चाहिए, यूनिवर्सिटी नहीं, वो ये यूनिवर्सिटी बनने। तो सुनो मेरी बात, भारत देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? क्या होता है? जगह जगह पे चला दिया जाए, बेटियों को जला दिया जाए, बेटियों को जला दिया जाए। स्वतंत्र का मतलब क्या मुद्दा है? स्वतंत्र का मतलब होता है अपना खुद का तंत्र। हमने अपना खुद का तंत्र बनाया नहीं, ठीक है? अंग्रेजों का हम पार्लियामेंट चला रहे हैं, अंग्रेजों की चीजें चला रहे हैं। कोरोना काल में 47 लाख लोगों के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई, कोरोना काल संभल नहीं पा रहा है, चुनाव हो रहा था, देश में महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है, युवा ऐसे चल रहा है ट्रेनों में ऐसे। आज महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे, अगर आप करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। महंगाई अगर आप इंटरप्ट नहीं, ऐसे 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 नहीं होता। आप अगर बकवास करने आएंगे इंटरप्ट कर ले आप, तो मैं कौन हूँ अपनी बात लगा ना, तुम तो मेरे कंधे भक्त लग रहे हो यार, बताओ तो आप। अरे फिर वही बात, अभी व्यक्ति की आजादी की छीन रहे हो। एक मिनट रुकिए, ये माइक ऐसे नहीं है बोलोगे ना, जब देश में जनता इस बात की सफाई अगर आप बीच में बोलोगे तो कैसे चलेगा यार? वही बता रहा हूँ, आप बीच में नहीं बोल सकते हो। जब मैं बोल रहा हूँ आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। नियम ये होता है, योगी जी आप बोलिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज के परिपेक्ष में इनका कहना है कि सदा दौर बनवा दो। हम कह रहे हैं भाई कितने स्कूल यूनिवर्सिटी बने हैं 9 साल में, कितने एम्स बनवाए गए हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी हमारे पास, मैं बताऊंगा उसका आंसर आपको। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, उसके बाद भी आप नहीं कर पाए थे। उसके बाद वैक्सीन का टेंडर भी कितना दिया गया, कब दिया गया था? मार्च अप्रैल का मामला उठा, जुलाई अगस्त में टेंडर दिया गया था। अच्छा तो पहले मैं आपको, इन्होंने सबसे पहले मेन बात इन्होंने बताया बोला कि संसद है, कोई मंदिर थोड़ी ना है। तो आप सबसे वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री कौन है? यूएसए। यूएसए का प्रेसिडेंट किस पे हाथ रखकर शपथ खाता है बताओ? जवाब, हाथ रखकर शपथ खाता है। चलो जवाब, कॉन्स्टिट्यूशन जवाब, कॉन्स्टिट्यूशन जवाब, ये क्या है? क्या क्या बोला आपने? संविधान, हम संविधान बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करो। अरे नहीं नहीं मेरे को सुनिए, महंगाई और बेरोजगारी पर बात करो। अगर बेरोजगारी, हम इनको जवाब नहीं देंगे, हम इनको जवाब नहीं देंगे, इस बात का जवाब नहीं, हम इनको जवाब नहीं देंगे। गोदी मीडिया को दूर कर सकता है विपक्ष, अपने स्टेट में क्यों नहीं कर रहा? ये बात करने आए हैं और मुद्दा डायवर्ट करने आए हैं। ये काम भाजपाइयों का बहुत पुराना रह चुका है। 18 रुपए का पेट्रोल हो गया विपक्ष। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर जाए और वो ब्लूप्रिंट देके महंगाई इस तरीके से कम होगी, बेरोजगारी इस तरीके से कम होगी। आज हम युवा है, हमें पता है कि जब हमें नौकरी नहीं मिलती हम रोडों पे धक्के खाते हैं, तब हमें पता पड़ता है। बीजेपी ने कहा था, सुनिए आप लग रहे हैं कि मोदी जी की तरफ से आए हुए हैं क्या? क्या ये आप इस बात का प्रमाण दे रहे हो कि मैं मोदी की तरफ से आया हूँ? नहीं, आप जैसे कि कांग्रेस की ट्रेन हादसे में जो हुआ है उड़ीसा के अंदर, पूरी फेलियर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की है, बीजेपी गवर्नमेंट की, तो आप कैसे कह सकते हो मैं बीजेपी या मोदी की तरफ से आया हूँ? आप इस बात का प्रमाण कैसे दे सकते हो? आपने हिमाचल और राजस्थान के बारे में तो कह दिया, क्या पूरे केंद्र में पेट्रोल की क्या कीमत? बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाते हैं, कितना मोदी जी ने सुन लिया बेरोजगारी के बारे में, कितना बीजेपी पार्टी ने सुन लिया, और विपक्ष सुन सकता है? मेरे को ऐसा लगता है अगर हमें 2024 में विपक्ष को लाना है तो विपक्ष सुन सकता है, तो विपक्ष इस बात का ब्लूप्रिंट क्यों नहीं दे रहा कि महंगाई इस तरीके से खत्म होगी? हम चाहते हैं विपक्ष आए लेकिन ब्लूप्रिंट तो दे कि महंगाई इस तरीके से खत्म होगी। ये चाह रहे हैं कि विपक्ष आए, बेरोजगारी ब्लूप्रिंट तो दे कि बेरोजगारी खत्म होगी। जिस तरह से विपक्ष अपना काम कर रही है, आपने सवाल किया विपक्ष से, जो सत्ता में होता है उससे सवाल करना चाहिए, सब लोग विपक्ष से। सही बात, सत्ता में मोदी भी है तो सत्ता में क्या कहते हैं कांग्रेस भी है, कर्नाटक में भी कांग्रेस है, राजस्थान में भी कांग्रेस है, हिमाचल में भी कांग्रेस है, अरे दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल है। जो जो सरकार में सबसे सवाल होगा कि बेरोजगारी क्यों नहीं दूर कर रहे, महंगाई क्यों नहीं दूर कर रहे, इस बात का जवाब दो। 9 साल 14 के पहले एक शेर आया था हमारे बीच, जिसके बाद सारे फामले हुआ करते थे, अगर बीच में इंटरप्ट नहीं होगा ना तो अब की बार मैं इंटरव्यू छोड़ भी दूंगा, इंटरवेंशन नहीं चाहिए मेरे को। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम हो सकती है अगर भाइयों बहनों जैसे पैसा आ जाए ना कालाधन, और 15-15 लाख पहुँच जाएंगे, वो भी सपना था। उसके बाद फिर वो एंट्री करके आते हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट आ जाता है, गंगा सफाई के नाम पर हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए, उसके बाद GST आता है, नोटबंदी आता है, और भी तमाम तरह की सुविधाएं आती हैं, पर उसका सीधा फायदा मंत्रियों को और उनके व्यापारी दोस्तों को होता है, जनता को नहीं पहुँचता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जब GST जब कोरोना काल आया था तो प्रधानमंत्री कार्यालय में मिलेगा प्रधानमंत्री कार्यालय में ही सब कुछ हैंडओवर कर दिया गया, राज्यों की कोई भूमिका नहीं थी, वैक्सीन बनाना कहाँ का रेमडेसिविर केंद्र सरकार ने ले लिया, सब उनकी जिम्मेदारी पे था, तो जिम्मेदारी किसके लिए? बंगाल चुनाव हमने नहीं कराया था। अगर आप कभी भी केंद्र सरकार की पढ़िए और राज्य और केंद्र का संबंध पढ़िए तो उसमें 3 सूची आती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, मध्यवर्ती सूची। ये पढ़े नहीं होंगे, हम बताते हैं आपको। मध्यवर्ती सूची में राज्य और केंद्र का दोनों को होता है, लेकिन इनको भूलना नहीं चाहिए कि उड़ीसा में जो ट्रेन लड़ी है उसमें कोई राज्य का मतलब नहीं होता, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है, उसका रेल मंत्री होता है। रुक जाओ। अनपढ़ जाहिल गवार में पहली बीजेपी सरकार को क्लेम कर रहा हूं, ये क्या लैंग्वेज है? तुम मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो? लैंग्वेज है, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या लैंग्वेज है, नहीं गलती निकाल रहा हूं तो बीजेपी को तुम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, मेरे को क्यों डिफेंड कर रहे हो? आप डिफेंड नहीं कर रहे हो, बता रहा हूं आपको, नेशनल की गलती है, ये गलत बात है। लेकिन ये क्यों कह रहे हो कि राज्य और वो, इतना तो मुझे भी पता है, आपकी भाषा पढ़ो, ये गलत है, आप इस तरीके से बात, मैंने क्या कहा? उसके नहीं, मेरे करने दीजिए, आप सुनिए। उसके बाद होता क्या है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला आया वहां पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कैम मतलब एक बनाया नियम के कवच आएगा, ये कोई ये इन्होंने नहीं बोला, ना हमने बोला, ना किसी ने, प्रधानमंत्री ने बोला, रेल मंत्री ने इसका एक्सपेरिमेंट दिखाया। देखिए, हम जब बात करते हैं आई एम नॉट द कॉमन मैन, आई एम द UPSC स्टूडेंट, तो सोच समझ के फिर उन्होंने एक योजना लेके आया। जब आप योजना लेके आओगे तो आप योजना दिखाओगे तो हाँ भाई, रेल मंत्री ने योजना, प्रधानमंत्री ने इसका उदाहरण कर दिया कि कवच हो गया, दोनों ट्रेन आएंगी तो रुक जाएंगी। चलो ट्रेन भी रुकने लगी, अभी ट्रेन क्यों नहीं रुकी? वो छोड़ो, अभी ट्रेन क्यों नहीं रुकी? आप इनमें तो ये भी सवाल नहीं कर रहे, ये भी सवाल उठा रहे, मैं इनकी बात को मान लूं मैं, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि जो मुद्दा राज्य के लाग हो वो राज्य सवाल उठेगा, अभी बताइए मणिपुर में भाजपा से गवर्नमेंट, अभी पर लोग धरने में बैठे हैं, तो मणिपुर में सरकार भाजपा की, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी सवाल किससे पूछा जाएगा? अभी जो 10 योजना, अभी जितनी भी 12-13 योजना है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट सवाल पूछे गए, कोई राज्य का तत्व नहीं है। दिल से मानते हो कि आप मणिपुर के प्रोटेस्ट में शामिल हो? आप दिल से मानते हो? अगर आप दिल से मानते हो, मेरे फोन में अनलिमिटेड वाला नेट है, एक वीडियो बता दो आपने मणिपुर के लिए कहां बोला, 4 बोल चुके, कहां बोला ये बताओ, कहां बोला मैंने, यार बताओ। एक दलित दूसरे दलित को मार रहा है तब जाके कोई आवाज नहीं उठा रहा, क्यों मणिपुर में हिंसा हो रही है? इस बात का जवाब दीजिए, मणिपुर में क्यों हिंसा हो रही है? 10% जमीन मिली हुई है, 90% ने क्या कहते हैं कब्जा कर रखा है, क्या मेजोरिटी माइनॉरिटी में कम में आगे पता ही नहीं पड़ा। यहाँ पे बेरोजगारी महंगाई की बात हो रही थी, कहां मणिपुर में लेके चले गए, कहां से लेके चले गए? आप इस बात का जवाब दीजिए, क्या बेरोजगारी महंगाई कैसे खत्म होगी? उसी पे आ रहा है, हमें बहुत दुख लगता है, मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ, मुझे नहीं पता अभी UPSC कर रहे हो नहीं कर रहे, सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ, अगर मैं कॉलेज से निकला मैं कहां नौकरी मांगने जाऊंगा? प्रधानमंत्री बनाए हो क्या हमको? नरेंद्र मोदी हैं हम, राहुल गांधी। आपने मोदी को वोट दिया है, इस बात का आपने मोदी को, विपक्ष को ब्लूप्रिंट देना चाहिए, विपक्ष को आप क्या करने दे रहे हैं? पुलिस वाले मार देने हैं विपक्ष से, जो आप ब्लूप्रिंट मांग रहे हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कीजिए ना। नहीं, विपक्ष तो सब कुछ कर सकता है, कहां कर सकता है विपक्ष भी? सही, विपक्ष को यही तो है ना, ED CBI ED, ये कह रहे हैं कि विपक्ष
हम कुछ कर सकते हैं? ईडी सीबीआई इतनी ज्यादा भारी कर दी गई है लोकतंत्र में आवाज दबाने के लिए, लोकतंत्र में जिस तरह से आवाज दबाने के दबाने की मांग हो रही है। आप सुनो, अपने अपने बोले जा रहे हैं आपको, तो मेरा मुद्दा यह है कि हम महंगाई से जूझ रहे हैं। नरेंद्र मोदी 70 रुपए के लिए, 60 रुपए के लिए, आप ब्लू प्रिंट दीजिए प्रधानमंत्री। ये चले हमारे साथ प्रधानमंत्री आवास, हम भी बैठेंगे, भी बैठे पूछ लेंगे प्रधानमंत्री से क्या मामला है। सभी के चलते हम सभी चलते हैं, जिनको प्रॉब्लम होगी चलते हैं, सभी चलेंगे। लेकिन फंड मिला है क्या एक सरकार को टारगेट करने का? सारी बात छोड़ो भाई, मैं आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ, मेरे को तो संसद में दो, संसद में एक तरफ भ्रमित है, ये भ्रमित है, इनको भ्रम है, दूसरी तरफ तुम ब्लूप्रिंट, इनको बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन आपने योगी जी, आपने कहा कि मणिपुर ऐसे हो रहा है, तो अमित शाह तो गए हैं, अमित शाह जब कर्नाटक चुनाव हो रहा था तो उसी वक्त हिंदा जारी थी, वहाँ पे आपने हर तरह से ड्रेस पहने, लोगों को बताए, आप अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं। खैसी उसी प्रकार जब इस देश का विदेश मंत्री पेपर चेक करने जाता है, शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम करने जाता है। इस सरकार में ना मंत्री का पोर्टफोलियो डिफाइंड है, ना उसका विभाग डिफाइंड है, ना कुछ और चीज डिफाइंड है, सिर्फ मजाक है, हंसी है, लोग ये जान एक सस्ती जान समझी जाती है, युवाओं को सड़कों पर खड़ा कर देता है। जब प्रधानमंत्री ओडिशा गए तो वहाँ गए तो मोदी मोदी मोदी, अरे कोई मरा तो मोदी मोदी करोगे, अगर कोई मरेगा तो मोदी मोदी करोगे, अगर कोई के घर में मातम होगा तो मोदी मोदी करोगे। पार्टी बोल रही थी प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोलिए, मोदी बोलिए। अच्छा मोदी जी क्यों बोलेंगे, मौर्य पुल बोले गए, मौर्य पुल में है, मौर्य पुल में हुआ था, प्रधानमंत्री बोले थे, मौर्य पुल में पूछा गया था। छोड़िए भाई मोदी, आप कैमरे में ऐसा दिखेगा कि मैं भाग रहा हूँ, लेकिन मैं पहले कह के चल रहा हूँ, सारे सवाल इसी से कर लो, सारे माइक आप अरे ले जाएंगे तो भाई इनको, आप बेमतलब वाला काम कर रहे हो, बाद में ले बाद में ले लेना। जिस प्रकार से इस देश में आवाज उठाने के आप डंडा मारते हुए दिखते हैं, आप पिटते हुए दिखते हैं, आप लोगों को सवाल घसीटते हुए दिखते हैं, देश की खिलाड़ी मनो क्या कसूर था? मीनाक्षी नेगी से भी सवाल पूछा गया था, कौन गया था, कौन भागा था? मैं भागा था, वो भागी थी, ऐसे भागी थी ना, अच्छी जगह से भागते हुए। इस देश में ये अंकल जी है क्या? इस देश में इन्होंने कभी देखा था ऐसा चीज? इसे पूछिए बेरोजगारियों लोगों से, पूछिए इनसे कभी इन्होंने आतंक देखा था, कभी इस देश में इन्होंने महंगाई देखी थी? इनके साथ कई मामला है, हमने तो सिर्फ जुमले सुने हैं, पर सुने ना अंकल जी, मिला कुछ नहीं। जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई तो पहले से दुगनी हो गई है, करप्शन वो दुगना हो गया है, ठीक है ना योगी जी, पसीना पसीना हो गया भैया, क्या करे, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पड़ता, बताओ उसको, सबसे सबसे बता रहे हैं। इसी तरह मोदी की भी आदत है, ये तो गलत है योगी जी, जब प्रधानमंत्री मोदी के कपड़े पे सब बोले कपड़ा बदल लिया, कपड़ा बदल लिया, ये क्या बात हुई? तो भैया 7 बार कपड़ा बदलो क्या? प्रधानमंत्री हो कि क्या हो, बताओ इतना चार बदलने का, चार चार बार कपड़ा बदलने का क्या? लाशों में कफन भी नहीं, लाशों में कफन भी नहीं, अरे क्या बदल वो एक सौ क्या हो गया मतलब प्रधानमंत्री के दिन में 50 बजे फिल्मों का हीरो है क्या? वो फिल्मों का हीरो है क्या जो घंटे घंटे में ड्रेस बदलते हैं? गोदी मीडिया गो बैक किनारे लग जाए, इसीलिए हमारे देश के नेताओं से पूछता है भारत और दलाल पत्रकारों को थूकता है भारत, इसीलिए थूकता है। आप बहन मेरी बात समझिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इस देश में अगर आप महिला खिलाड़ी जगह पे होती और आपको ऐसा दिशा व्यवहार होता तो आपकी आत्मा भी इसी तरह होती जिस तरह उनकी आत्मा रो रही है। परिवार तो अमित शाह क्या, अमित शाह किसी और का बेटा है तो अमित शाह का ही बेटा ना, और कितने अच्छे इशारे किए थे उन्होंने स्टेडियम बैठ के, उनके इशारे देखिए आप, ये हिंदू राष्ट्र के नए नए इशारे हो रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। अपने बच्चों को तो हिंदू धर्म सिखा नहीं पाए, चले हिंदू राष्ट्र बनाने, इन्हीं बेसरों की वजह से आज हमारा देश डूब रहा है। कसम हमें अपने महाकाल की, कसम हिंदुस्तान की, ऐसे लोगों को हम टिकने नहीं देंगे इस देश में, याद रखना। बहुत से लोग मरे हैं हमारे देश में, बहुत से लोग, और एक एक लोगों के जानों का हिसाब लिया जाएगा। मणिपुर आप उड़ीसा देखिए, ऐसे लाश निकाली जा रही है, ऐसे खींची जा रही है, एक बाप अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा है। क्या इतना इस्तीफा देने के लिए भाई, रेल मंत्री का इस्तीफा होगा 20 साल बाद, इतना बड़ा हादसा फिर हुआ है, इनसे पूछिए, ये बड़े कांग्रेस के टाइम में भी तो हुआ था, तो 20 भाई इस्तीफे हुए थे, इस्तीफा हुआ है, इस्तीफा होगा। अब जब भी कोई बड़ा हमला देश में होता है, 26/11 में भी हमला हुआ था तो भी इस्तीफा हुआ था, लेकिन गृह मंत्री के समय पुलवामा में नहीं हुआ था, तो ऐसे इस्तीफे अब दिलवाने पड़ेंगे।
हम उनकी इस्तीफे की मांग भी करेंगे और हम इस घटना को लेकर कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट में भी जांच कराने की मांग करेंगे। क्यों कोर्ट तुम देने जाओगे? क्यों देना चाहिए? आप मान लेंगे बेशरम है, मान लेंगे बेशरम है, अरे मान लेंगे बेशरम है, अरे तो हम मान रहे ना बेशरम है, मान तो रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें हो रही जैसे मणिपुर पहलवान बेटियों को लेकर, अभी जो है फिर से एक लड़की का रेप हो गया है कानपुर में, सारी चीजें हो रही है, कहा कुछ हो रहा है। देखिए इसीलिए तो तानाशाही करते जाना, जनता जवाब देगी एक बार में। तो खुश हो जाइए, ब्राह्मणों का सैंगुल सैंगुल लगा है। हमें देश का अशोक स्तंभ चाहिए, हमें सैंगुल नहीं, हम लोकतंत्र बना रहे हैं, राजतंत्र नहीं बना रहे हैं। राजतंत्र का चिन्ह है जो सैंगुल है। गाय माता को कह रहे, गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय के नाम पे फर्जी राजनीति बंद करो, गाय का बीफ कटना बंद, काटना बंद करो, गाय को काटना बंद करो। अब गाय मिली थी स्मृति ईरानी के होटल में, गोवा में, उनकी बेटी के होटल में। अच्छा तो ठीक है, गाय को, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने गौमूत्र पी के कोरोना भगा दिया, उसको क्या कहें? वैक्सीन नहीं बनी थी, कोरोना था ही नहीं, कोई कोरोना नाम की बीमारी नहीं थी, ये फर्जी बीमारी दुनिया के दूसरे देशों से आई और भारत में कोई कोरोना नहीं था। क्योंकि जो लोग देखिए, इसलिए आइडेंटिफाई हो जाती है ये बात, और बिल्कुल प्रूवन मैं आपको सत्य बताता हूँ कि जब देश के अंदर लोग बाकायदा धरने पे बैठे थे जो किसान, उनको तो कोरोना नहीं हुआ, यानी कोरोना उससे बार बार राजनीति करने के लिए कोरोना के नाम। हाँ देश में बंगाल चुनाव नहीं हुआ करने के लिए। भाइयों बहनों जहाँ तक देखे मुझे भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, किसका बयान था? इस देश के प्रधानमंत्री का। आपको मैं बताऊं जिस तरह से राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, क्या आदिवासी महिला इस देश में हवन नहीं कर सकती है? क्या बनारस जाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंदिर शुद्ध करा जाएगा? कैसी मानसिकता और संघी मानसिकता? कांग्रेस ने भी तो किया, जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक से हटी तो गौमूत्र से साफ किया, आप उस पे नहीं कुछ देखिए। अगर आप कर्नाटक जाएंगे, कर्नाटक आप जाइए, वहाँ पे परंपरा आई है, हमारे हाथ से नहीं हो रहा है, कर्नाटक एक अलग व्यवस्था है, परंपरा हो गया मोदी भैया। कर्नाटक आप चले जाइए, प्रधानमंत्री पहले शुद्धिकरण काम वहीं से कराया था, प्रधानमंत्री का भी वही शुद्धि हुई थी, भाजपा वालों ने शुद्धि कराई थी अपने। ऊपर का जो चौका लगाने की परंपरा है ये सदियों से भारत में रही है, ये कोई आज की नई परंपरा नहीं है। गोमूत्र से चौका लगाना, गोबर से चौका लगाना, ये सदियों पुरानी परंपरा है, इसलिए लगाता जाता रहेगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस बारे में कोई ज्यादा नहीं बात, तो वहाँ पे संविधान का जो शपथ लिया गया, और वहाँ भी संवैधानिक शपथ ली गई है, लेकिन वहाँ ली गई है कहाँ पे? वहाँ पे कर्नाटक में, कर्नाटक में संवैधानिक शपथ ली गई है, संविधान को लेख मान के लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधानिक सभी संविधान अगर लेख कोई नहीं चाहिए, अपने जो है देवता जो होते हैं उसका भी शपथ। भैया तो हर उत्तर प्रदेश में भगवान राम को शपथ लेकर संविधान को लेकर करते हैं, हर आदमी के देवी देवता अलग अलग है, वो अपने देवी देवता से करते हैं, लेकिन संविधान होगा, बिना संविधान की कोई भी शपथ नहीं मानी जाएगी इस देश में। अगर वो प्रधानमंत्री भी एक संवैधानिक पद पे है, जिसका जिस पद का नाम प्रधानमंत्री है, वो कोई इस देश के, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है, ये बात अभी आप लोगों को समझनी चाहिए। और ये तो कह रहे हैं कि एक मध्य प्रदेश में एक मंदिर था पुराने जमाने का, देखिए नए संसद को बनाया गया, राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, उधर से मूर्तियां खंडित हुई मध्य प्रदेश में, उस मूर्ति खंडन का मतलब है शिव शक्ति, महिलाओं को भगवान शिव शक्ति मानते थे, पार्वती उनकी शक्ति थी, तो शक्ति का अपमान हुआ, ये प्रलय है। और ये प्रलय कौन? नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने अकड़ में, अपने घमंड में अकेले जाके सिंगौल का हुआ। सिंगौल हमारे देश में नहीं, हमारे यहाँ अशोक स्तंभ चलेगा, संविधान चलेगा, बाबा साहब का संविधान चलेगा, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, जो पुरानी चीज़ें हम खत्म कराएं, क्या फिर आप चालू करोगे क्या? नेहरू जी को मिला था सिंगौल, संसद में होता क्या पूछो? जो है ना एक दंड का प्रतीक है, राजतंत्र, हाँ राजदंड है, तो सिंगौल को लेके जो है ना राजनीति वैसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए देश में, ना ही नए संसद भवन को लेकर राजनीति होनी चाहिए। ये जो संसद भवन का जो नया नक्शा है ना, ये एक और देश में एक मंदिर है और संसद भी है वहाँ उस तरह की, हाँ यस, तो उस संसद को लेकर बनी है। लेकिन विरोध हम संसद का नहीं कर रहे हैं भाई साहब, विरोध हम कर रहे हैं कि देश के सर्वोच्च राजपद पर बैठे हुए राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन होना चाहिए था, प्रधानमंत्री सर्वेसर्वा नहीं है, हम देश के संवैधानिक और संविधान के लिए लड़ रहे हैं, हम संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं
तो हम इस देश के रहने वाले हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई खालिस्तानी नहीं है, और ना ही ये मत कह देना कि हम हिंदू नहीं है। क्या प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मणिपुर में हो रहा है? उनको सदबुद्धि आए और प्रधानमंत्री तेजी से कार्रवाई करे, और सबसे पहले अगर नहीं कर पा रहे तो अपना इस्तीफा दे दे। गए तो करने के लिए, आप क्या इस्तीफा देने गए हैं? नहीं, वो कार्रवाई करने के लिए। तो मोदी गाय लग तो रहे हैं, तब भी देश में आग लगी हुई है, अभी मणिपुर के लोग भी शांति की बात कर रहे हैं। चलिए, हमने अभी बाल योगी से बात किया और बाल योगी ने कहा जिस प्रकार से सारे मुद्दे चल रहे हैं देश में, उस पे इन्होंने प्रकाश डाला कि इस्तीफा होना चाहिए। जो उड़ीसा में हुआ है, पहले भी लोग उड़ीसा में, जब पुराने टाइम में आज से 10 साल पहले जब भी ट्रेन घटनाएं हुई हैं इस तरीके, तो रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो क्या ये रेल मंत्री भी इस्तीफा देंगे, ये सवाल है। उसके बाद मणिपुर में जो आघरें चल रही हैं उस पर भी बाल योगी ने बोला, पहलवानों को लेके बोला, और अभी जो चीज़ें चल रही हैं हमारे पीछे उसके उसको भी लेके बोला। हमारी और आप, हमारी और बाल योगी की बात आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।